दोस्तों, कंगना रनौत की धाकड़ पर रिलीज होने से पहले ही डिजास्टर होने का खतरा बना हुआ है। धाकड़ का ट्रेलर लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया। फिल्म के ट्रेलर में सिर्फ और सिर्फ एक्शन ही दिखाया गया है, स्टोरी का नामो निशान नहीं है। जबकि इस फिल्म के ट्रेलर को ही कई लोगों ने नहीं देखा, तो वो लोग फिल्म देखने क्या जाएंगे। कंगना रनौत की पिछली 21 फिल्मों में से बस 3 फिल्में हिट हो पाई है और 2 फिल्में एवरेज रही है। बाकी सभी फिल्में या तो फ्लॉप रही है या तो डिजास्टर। अगर आप पंगा और थलाइबी के ट्रेलर को धाकड़ फिल्म के ट्रेलर से कंपेयर करोगे तो पंगा और थलाइबी के ट्रेलर को धाकड़ के ट्रेलर से ज्यादा लाइक्स और व्यूज मिले। उसके बावजूद दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही थी। धाकड़ के साथ भूलभुलैया 2 भी रिलीज हो रही है और इस फिल्म का बस धाकड़ से 4 गुना ज्यादा है और फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन भी भूलभुलैया 2 के धाकड़ से 4 गुना ज्यादा ही आएंगे। धाकड़ का बस बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से इस फिल्म को सेंसर बोर्ड वालों ने ए सर्टिफिकेट दे दिया, यानी इस फिल्म को अब फैमिली ऑडियंस भी नहीं देख पाएगी और यूथ तो वैसे ही कंगना की फिल्म देखना पसंद नहीं करते। मैंने धाकड़ के पहले दिन का प्रिडिक्शन 2.5 से 3 करोड़ तक का दिया है, लेकिन हो सकता है फिल्म के पहले दिन का कलेक्शन 2 करोड़ से भी नीचे आए। धाकड़ फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कई हद तक बॉम्बे वेलवेट फिल्म की याद दिलाती है। कंगना रनौत एक्टिंग तो काफी अच्छा करती है, लेकिन रियल लाइफ में वो एक नंबर की डबल डोल की और हिपोक्रेसी है, जिसके कारण कई लोगों ने उनकी फिल्मों को बॉयकॉट कर दिया। तनुवर्स मेनू रिटर्न्स के सुपरहिट होने के बाद कंगना ने अपने आप को पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट एक्ट्रेस मान लिया था और उनके ऊपर काफी घमंड भी चढ़ गया था। जिस फ्लॉप एक्ट्रेस के को वो डेट करता था, वो क्वीन से स्टार बन जाएगी, तनु मनु से सुपरस्टार बन जाएगी और आगे उसकी इतनी बड़ी जर्नी हो जाएगी कि। लेकिन वो भूल गई थी कि जो ऑडियंस उनकी फिल्मों को सुपरहिट बना सकती है, वही ऑडियंस उनकी फिल्मों को सुपर फ्लॉप भी बना सकती है। घमंड तो रावड़ का भी नहीं टिक पाया था, तो कंगना का कहां टिक पाता। तनुवर्स मनु रिटर्न्स के बाद से ही कंगना की एक भी फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट नहीं हो पाई, यानी ऑडियंस ने उनको उनकी औकात याद दिला दी। धाकड़ फिल्म कैसी है ये तो रिलीज होने के बाद पता चलेगा। अगर फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज मिलते हैं तो ये फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 10 करोड़ से भी अंदर सिमट कर रह जाएगा। अब कई लोग ये बोलेंगे कि मैं कंगना के लिए हेट फैला रहा हूं, जबकि मैं तो बस धाकड़ का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस ही कर रहा हूं। आप मेरा ये कमेंट देख सकते हो जो मैंने थलाइबी के ट्रेलर में किया था। मुझे ट्रेलर काफी अच्छा लगा था और ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन मैंने जब ये फिल्म देखा तो ये फिल्म एवरेज निकली। बाकी अब सबकी अपनी अलग ओपिनियन हो सकती है और अपनी अलग पसंद हो सकती है। मेरी प्रिडिक्शन के हिसाब से धाकड़ अपने पहले दिन में 2.5 से 3 करोड़ तक का ही नेट कलेक्शन कर पाएगी और फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 15 करोड़ के अंदर ही सिमट कर रह जाएगा और ये फिल्म भी डिजास्टर हो जाएगी। वैसे जो कंगना के अंधभक्त है, उनके लिए तो कंगना की हर फिल्म ही ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होती है, लेकिन शायद पैरेलल यूनिवर्स में। वैसे सच सच बताइएगा, आपको क्या लगता है कि इस फिल्म के पहले दिन का इंडिया नेट कलेक्शन कितना होगा और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट हो पाएगी या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।